यूपी हरियाणा और राजस्थान का जो मिला हुआ क्षेत्र है वो मेवात रीजन में मिला था। इस क्षेत्र से हमने करीब 12 केसेस की को डॉक्यूमेंट किया है। हालांकि हमें एंड तक मालूम चला है कि इस क्षेत्र में और भी कई इस तरीके की घटनाएं हैं। ये केसेस 2010 से 2017 के बीच के हैं। ज्यादातर विक्टिम करीब सारे ही विक्टिम मुस्लिम हैं और ज्यादातर उनमें से मेओ मुस्लिम हैं जो कि बाय प्रोफेशन जो है ड्राइवरी का काम करते हैं या दुकान अपने ही एरिया में दुकान चलाते हैं और जिनके परिवार ज्यादातर किसानी और पशुपालक हैं। समझने की बात ये है कि वो लोग आर्थिक और सामाजिक तौर पे सभी परिवार बहुत ही मार्जिनलाइज्ड और पिछड़े हैं। जो घटनाएं जो हुई हैं वो ज्यादातर इस तरीके से हुई हैं कि वो ये लोग सभी लोग जो ड्राइवर्स हैं ड्राइवरी का काम कर रहे हैं या कई लोग जो पशु लेने खरीदने गए हैं उनको रास्ते में पकड़ के उनके साथ एनकाउंटर किया गया है। और जो 2010 और 11 के केसेस हैं उसमें पुलिस इम्प्यूनिटी का एक अनदर लेवल हमें समझने आता है क्योंकि इन केसेस में परिवारों को जो मृतक हैं उनके शव भी नहीं दिए गए थे। ज़्यादातर ये केसेस मथुरा पुलिस द्वारा मथुरा के डिस्ट्रिक्ट में और पलवल के डिस्ट्रिक्ट में किए गए हैं। फैमिलीज को बहुत या तो बहुत कुछ फैमिलीज हैं जिन्हें बहुत बाद में पता चला है, जिनको पहले भी पता चल गया है उनको फोर्स किया गया है कि आप पुलिस द्वारा चुने गए ब्यूरियल ग्राउंड में ही उनको दफनाएं। पुलिस हैवी पुलिस प्रेजेंस में इन सभी इनकाउंटर किए गए शवों को दफनाया गया है जिससे ये पता चलता है कि पुलिस ने अपने हिसाब से दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट कि किसी भी तरीके का एविडेंस जो है वो मिटाया जा सके और परिवार जो है पुलिस के खिलाफ को किसी भी तरह के एक्शन लेने में असमर्थ है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि जब बॉडी ही परिवारों को नहीं दी गई है तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। हमने जितने परिवारों के साथ हम मिले हैं बहुत ही कम परिवारों के पास FIRs और पोस्टमार्टम की पोस्टमार्टम के पेपर्स हैं। अभी तक भी कुछ परिवार डेथ सर्टिफिकेट बनवा नहीं पाए हैं जितने साल गुजर गए हैं इन काउंटर्स। जो अभी रीसेंट के केसेस हैं वहाँ पे एनकाउंटर्स को कैसे जस्टिफाई करती है पुलिस वो है थ्रू बाय यूजिंग काउ प्रोटेक्शन। ये जो काउ विजिलेंटिज्म का पूरा प्रोपेगेंडा है उसको इस्तेमाल करके परिवारों को स्टिग्मेटाइज किया जा रहा है और पुलिस एनकाउंटर को जस्टिफाई किया जा रहा है कि ये क्यों किए गए। तालिम का बहुत ही रिसेंट केस जो है तालिम अलवर का वो आपको मालूम होगा, वो एक एग्जांपल है उस केस का। कुछ केसेस ऐसे हैं जिनमें से एक केस पिछले डेढ़ साल पुराना है जिसमें कोई लीगल ट्रेस नहीं है कि इस व्यक्ति की पुलिस मुठभेड़ में मृत्यु हुई थी। परिवार को नहीं मालूम कि कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई FIR नाम की चीज भी हुई है इस घटना में या नहीं। ये परिवार खुद अपने आप में इतने पिछड़े हुए हैं और अपने आप को जस्टिस सिस्टम से और पुलिस से इतना दूर पाते हैं कि वो उनकी क्षमता नहीं है कि वो पुलिस स्टेशन में जाके FIRs करा सके। और ये बहुत ग्राम सभाओं का और गांव के लीडर्स का यही मानना है कि हम लोग परिवारों को यही सुझाव देते हैं कि आप पुलिस से पंगा नहीं, और जिसकी वजह से फैमिलीज ने भी अटेंड नहीं किया कभी भी FIRs को रजिस्टर कराने में और उन्हें ये भी नहीं मालूम कि पुलिस द्वारा भी कोई FIR कभी हुई है कि नहीं, और अगर पुलिस ने कभी FIR की है तो क्या वो कभी ये भी उन्होंने समझा कि उनको परिवारों का स्टेटमेंट देना है। बहुत सारे केसेस में हालांकि कुछ केसेस में जो परिवार थोड़े समर्थ हैं उन्होंने कोर्ट में जाके 156(3) CRPC के अंडर पिटीशन डालने की कोशिश की है बट वो डिसमिस हो गई है, या फिर जिसमें से सिर्फ एक केस ऐसा है जहां पे हाई कोर्ट लेवल में केस चल रहा है चार्जेस के ऊपर और पुलिस का ये अटेम्प्ट है कि वो लोग कोर्ट का और इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज का ये अटेम्प्ट है कि उसको 302 मर्डर का चार्ज न लगा के 304 नेग्लिजेंस का चार्ज लगा के कम से कम
पुलिस ऑफिशियल्स को सजा हो इस तरीके से। आखिरी में बस एक बताऊंगी कि इन 12 केसेस में से कुछ करीब 3 केसेस हैं जिसमें एनएचआरसी ने कॉम्पनसेशन दिया है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इस तरीके का एविडेंस कोर्ट में या एनएचआरसी द्वारा खुद भी कोई ऐसा प्रयास नहीं किया गया है कि पुलिस प्रोसिक्यूशन की तरफ कोई केस बढ़े। जब आप ये रिकग्नाइज कर रहे हैं कि ये पीड़ित परिवार है एनकाउंटर की घटना का और उसको आप कॉम्पनसेशन दे रहे हैं, तो इससे ये भी समझ में आता है कि कोई ना कोई उस एनकाउंटर्स का गिल्टी भी है, बट लेकिन उस तरफ जाने का कोई प्रयास किसी भी केस में नहीं है। और इससे हमें ये समझ में आता है कि ये शायद परिवारों को शांत और चुप कर देने के लिए कॉम्पनसेशन दे रहे हैं।